दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कामाख्या मंदिर के 10 रहस्य जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जहां देवी खुद रजस्वला होती है। एक ऐसा मंदिर जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि देवी की योनि की पूजा की जाती है। दुनिया का एक अकेला ऐसा मंदिर जहां महिलाओं की महावारी को पूजा जाता है और उसकी इज्जत की जाती है और उससे गीले होने वाले कपड़े को लोगों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हम बात कर रहे हैं कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक रहस्य देखने को मिलेंगे। इस मंदिर की सच्चाई आपके पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगी। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों तंत्र साधना और अघोरियों के गढ़ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत है जहां पर आपको कामाख्या देवी मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कामाख्या देवी मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ है, जहां पर दुर्गा या अम्बे माँ की मूर्ति कोई देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से सजा रहता है और उससे हमेशा प्राकृतिक जल निकलता रहता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरे भारत में रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अछूत समझा जाता है, लड़कियां मंदिर भी नहीं जाती। लेकिन कामाख्या देवी मंदिर के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल अंबुबाची के दौरान पास में ही स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होना है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खुले जाते हैं तो वो कपड़ा माता के रक्त के लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों एक रहस्यमय बात ये भी है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। ये जगह पर एक समतल चट्टान के बीच विभाजन योनि को दर्शाती है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। माना जाता है इसे जल के नियमित सेवन से आप किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आपने इस जल का सेवन करना शुरू कर दिया तो आपको कोई बीमारी छुएगी भी नहीं, और अगर कोई बीमारी पहले से होगी तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये मंदिर हर एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती है। भैंसे और बकरे की बलि यहाँ पर बहुत ज्यादा आम बात है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। यानी कि इस मंदिर में न केवल देवी के रजस्वला रूप की पूजा होती है बल्कि हर तरह की मादाओं को यहाँ पर पूजा जाता है। इसके साथ ही मान्यता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन और भंडारा करा सकते हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इतना ही नहीं, इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, जहाँ पर साधुओं और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी अधिक मात्रा में किया जाता है। कहते हैं अगर कोई साधु कामाख्या देवी मंदिर में आकर अपनी तंत्र साधना नहीं करता तब तक वो पूरी तरह से तांत्रिक नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रस्त है तो वो यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कामाख्या देवी मंदिर में साधना कर रहे तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ होते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं और सही वक्त आने पर ही करते हैं। किसी की भी नजायज जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ के तांत्रिक कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। कामाख्या देवी मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा काफी बड़ा है और इसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है।
वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां पर एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होना होता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिनों बाद दोबारा बड़े धूमधाम से मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। वैसे अगर आप ध्यान दोगे तो इस मंदिर के पास लगे एक मंदिर में आपको माता की मूर्ति विराजमान मिलेगी, जिसे कामा देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर परिषद में आपको कई देवी देवताओं की आकृति देखने को मिल जाएगी। माना जाता है यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर से कुछ ही दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर मौजूद है। उमानंद भैरव शक्तिपीठ के भैरव हैं। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधि श्री सदाशिव को कामदेव ने काम बाढ़ मारकर आहत किया था। समाधि जागृत होने पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि माता कामाख्या का ये मंदिर बिल्कुल भी आम नहीं है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें मौजूद है जो किसी को भी हैरत में डाल दे। इसलिए माता सती के 51 शक्तिपीठों में से इसे सबसे खास माना जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि हर इंसान को अपने जीवन में एक ना एक बार कामाख्या देवी मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर देखना चाहिए कि किस तरह देवी के रजस्वला होने को खुशियों की तरह मनाया जाता है। लोग हर तरफ जश्न मनाते हैं और अघोरी तांत्रिक यहाँ पर अपनी तंत्र विद्या से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। बाकी आपका कामाख्या देवी मंदिर के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।